जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास, राइट। सो क्योंकि प्री बोर्ड्स के एग्जाम्स आ रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों के कॉमन कॉमन रिक्वेस्ट, कॉमन मैसेज आ रहा है कि सर सैम्पल पेपर्स कौन से बाय करें। प्लीज़ एक बार आप एनालाइज करके बता दो कि मार्केट में सबसे बढ़िया सैम्पल पेपर्स कौन से हैं। तो दोस्त, मेरे पास अभी तीन पब्लिकेशंस आई हैं, एक मेरे पास है टुगेदर विद, एक है मेरे पास एग्जाम आइडिया और एक है ऑसवाल। बहुत सारी और पब्लिकेशंस हैं, ठीक है, जो मैंने ऑर्डर कर रखी है, जल्दी आ जाएंगी। कुछ अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जैसे एडुकार्ट आने वाली है, डीके गोयल मुझे अभी मिली नहीं है, टीएस ग्रेवल भी होती है, बहुत सारी और भी होती है, अरिहंत अभी नहीं मिली है मुझे। तो जब वो आ जाएंगी उनको एनालाइज करके मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए जिनके फॉर एग्जांपल नेक्स्ट वीक या विद इन 10-15 डेज एग्जाम्स हैं, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे बच्चों के 10th दिसंबर 15th दिसंबर तक है, उनको अगर सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है तो कहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो दोस्त देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ एग्जाम आइडिया की, ठीक है। मैं आपको तीनों पब्लिकेशंस, मैंने 2-3 दिन से बहुत तरीके से इनको एनालाइज किया है कि भाई कहाँ आपके पैसे बच सकते हैं, ठीक है, राइट। तो एग्जाम आइडिया की बात करता हूँ, तो एग्जाम आइडिया मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है, ठीक है। पिछली बार मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई थी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेटिव थे, लेकिन दोस्तों इस बार इन्होंने बहुत मेहनत करी है। स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है, अभी तक तो मुझे कोई स्पॉन्सर मिला नहीं है, राइट, ठीक है। एग्जाम आइडिया में बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो नए क्वेश्चन होंगे, है ना, टी एस डी के से हट के क्वेश्चंस होंगे, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और क्वेश्चंस के लेवल भी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब ठीक क्वेश्चंस हैं। कुछ कुछ आपको इजी मिलेंगे, लेकिन वो आपके एग्जाम्स में भी होने वाले हैं, जो आपका बोर्ड एग्जाम्स होगा उसमें भी कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान होंगे, तो क्वेश्चन के लेवल से मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंडली, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद आई, इसमें बेटा आपको सैम्पल पेपर्स मिलेंगे 15, ठीक है। मैं आपको बेटा एंड में बताऊंगा कि सैम्पल पेपर्स आपको करने कैसे हैं, ठीक है। 15 सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, जिसमें से 5 सॉल्वड है और 10 अनसॉल्व्ड है। अब अनसॉल्व्ड का मतलब उनके आंसर्स गिवन है, सॉल्यूशंस गिवन नहीं है, प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, फाइनल आंसर है कि कैपिटल रिजर्व में इतना अमाउंट ट्रांसफर होगा, कैश फ्लो में इतना अमाउंट आएगा, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब ये बहुत बढ़िया चीज़ है, क्यों बढ़िया चीज़ है, देखो 5 सॉल्व्ड है, हाँ, तो स्टार्टिंग में आप देख लो, आराम से कर लो प्रैक्टिस, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस के लिए इन्होंने क्या किया, अनसॉल्व्ड दिए। अनसॉल्व्ड पेपर से क्या होता है दोस्त, क्या आपने निकाला, आपने तीनों के तीनों 3 घंटे में पेपर पूरा किया, ठीक है, उसके बाद आपने पीछे से आंसर चेक करें, कुछ कुछ क्वेश्चन के आंसर्स नहीं मिलेंगे, आप उन क्वेश्चन की दोबारा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि भाई आंसर तो मैच नहीं हुआ, सॉल्यूशन आपके पास है नहीं। जनरली क्या होता है, जैसे बाकी पब्लिकेशंस में सॉल्यूशंस गिवन है, सबके गिवन है, उसमें क्या होगा, आपने देखा यहाँ गलती हुई है, अच्छा ठीक है आगे से नहीं करूँगा, ऑल राइट, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन गिवन नहीं है, तो आप उस क्वेश्चन की दोबारा प्रैक्टिस करोगे कि भाई आंसर आना चाहिए, कहाँ गलती करी है, ये सुनो, तो ये अच्छी बात है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, है ना, आपको सोचने पे मजबूर करेंगे कि भाई कहाँ गलती कर दी, सॉल्यूशन नहीं है ना, तो खुद देखोगे, दोबारा सॉल्व करोगे, सोचोगे, राइट। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब बच्चे बोल सकते हैं कि सर अच्छी चीज़ कैसे है, सॉल्यूशन गिवन नहीं है, पता कैसे चलेगा गलती कहाँ पे हुई है। उसके लिए मैं बैठा हूँ ना दोस्त, टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में है ना लिंक, अब वहाँ पे क्वेश्चन भेज सकते हो, हम देख लेंगे कहाँ पे गलती हुई है। लेकिन ये डेफिनेटली आपको अनसॉल्व्ड पेपर हेल्प करेंगे, सोचने पे बहुत मजबूर करेंगे कि गलती कहाँ हुई है, फाइंड आउट करो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो, ठीक है, कि प्री बोर्ड्स में या कहीं भी टेस्ट में बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, तो बेटा खुद ही सोचोगे ना, हाँ या ना, स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा ना कहाँ मैच नहीं हो रही है, तो ये उस माइंडसेट में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। प्लस पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट भी है कि हाँ सॉल्यूशंस गिवन नहीं है। दूसरी बात, 15 क्वेश्चंस, 15 सैम्पल पेपर्स, बहुत बढ़िया, 15 बहुत होते हैं, हाँ, इसमें कोई नोट्स वगैरह नहीं है, कोई शॉर्ट नोट्स वगैरह और कुछ नहीं है, आपको कोई सजेशंस वगैरह नहीं गिवन है कि जैसे ऑसवाल में गिवन होती है, आंसरिंग टिप्स वगैरह होती है, तो प्लेन सैम्पल पेपर्स हैं, सीबीएसई के सैम्पल पेपर के बेसिस पे बनाए गए हैं, ठीक है, वही लेवल है, तो आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम मुझे लगी नहीं है। दूसरी आती है ऑसवाल, सबने सुन रखा ऑसवाल, तो सबने ही सुन रखा, ठीक है, मैं भी बहुत टाइम से इसको एनालाइज कर रहा हूँ। तो ऑसवाल में कुछ चीज़ें होती है जो उनके यूनिक है, हाँ, जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, तो इसमें आपको कुछ माइंड मैप्स मिलते हैं, कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये माइंड मैप्स आपको देते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ माइंड मैप्स आपको मिलेंगे हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स की तरह, कि छोटे 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 कुछ कुछ पॉइंट आपको बता देंगे, तो उससे कुछ चीज़ें आपकी रिकॉल हो सकती है, बहुत डिटेल में तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि बस ये पढ़ लिया और हो गया, लेकिन हाँ कि सैम्पल पेपर करने से पहले एक बार फटाफट से देख लिया तो कुछ चीज़ें रिकॉल हो गई, तो ये ऑसवाल में एक अच्छी बात डेफिनेटली होती है। बट मेरी हमेशा से ऑसवाल से एक प्रॉब्लम रही है, क्या प्रॉब्लम रही है, कि बहुत सारे क्वेश्चंस ना इनके डीके वाले होते हैं, डीके और टीएस वाले, मतलब कॉपी पेस्ट, श्रेयर्स के मैंने पहले के 2-3 सैम्पल पेपर्स देखे, कॉपी पेस्ट, मतलब नए क्वेश्चंस आपको थोड़े से कम मिलेंगे एज कम्पेयर टू द एग्जाम आइडिया, ठीक है, एग्जाम आइडिया में क्वेश्चंस थोड़े से नए थे, लेकिन इसमें आपको क्वेश्चंस थोड़े से कम मिलेंगे। हाँ, ये बिल्कुल स्टिक रहते हैं सीबीएसई के जो सैम्पल पेपर का पैटर्न होता है,
वैसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, राइट। तो परचेज आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे एग्जाम आइडिया और ऑसवाल, आई थिंक एग्जाम आइडिया वुड बी अ बेटर ऑप्शन, जस्ट बिकॉज क्योंकि वहां पे आपको क्वेश्चंस की वैरायटी थोड़ी ज्यादा मिलती है, ठीक है। ऑसवाल में जो पेपर्स हैं, राइट, उस सबके सॉल्यूशंस आपको गिवन है। कितने पेपर्स हैं सर? अराउंड 10 पेपर्स हैं जहां तक मुझे याद है, ठीक है। मैं एक बार आपको देख के बताता हूं कि कितने पेपर्स इसमें हैं। जहां तक मुझे याद है बेटा 10 पेपर्स इसमें आपको हैं, और 10 के 10 के सॉल्यूशंस आपको गिवन है, ठीक है। जिनके सॉल्यूशंस गिवन नहीं है उनके लिए आपको स्कैन दे रखा है, तो आपको उनके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। इन्होंने ऐसा नहीं किया कि अनसॉल्व्ड दिए, नहीं, सबके सॉल्यूशंस गिवन है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, राइट, ठीक है। उसके बाद आते हैं बेटा टुगेदर विद पे। अब टुगेदर विद बहुत सारे बच्चों ने शायद ना भी सुना हो टुगेदर विद के बारे में, लेकिन टुगेदर विद में भी एक बहुत अच्छी चीज होती है, ये ना अपने पेपर्स को एवरेज, ईजी और डिफिकल्ट लेवल में ना डिवाइड कर देते हैं। कि 3-4 पेपर इन्होंने दे दिए ईजी पेपर, कि मान लो कि प्री बोर्ड्स हैं तो प्री बोर्ड्स के टाइम पे सॉल्व कर लो, एक आधी बार सिलेबस हुआ है सॉल्व कर लो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, है ना, राइट। एवरेज कि चलो ठीक है ईजी हो गए, लेट्स मूव टू द एवरेज, देन डिफिकल्ट है। अब मैंने सारे सैम्पल पेपर्स के कुछ क्वेश्चन देखे हैं, ईजी और एवरेज में कुछ खास मुझे डिफरेंस दिखा नहीं। डिफिकल्ट जो इन्होंने पेपर्स बनाया उसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो नए क्वेश्चन हैं, कुछ हैं जो थोड़े ट्रिकी हैं, तो वो डेफिनेटली आप एंड के टाइम पे, जैसे मान लो जनवरी में, मैं भी आपको यूट्यूब पे कराऊंगा, लेकिन आप इसको चाहो तो परचेज कर सकते हो। 15 सैंपल पेपर्स इसमें है, राइट। और इन्होंने एक एंड में बेटा, एंड में एक ना सील मॉक पेपर दे रखा है, सील करके दे रखा है मॉक पेपर, कि भाई जब सब कुछ हो जाए तो ये वाला पेपर कर लेना, ठीक है, जब सारे पेपर्स हो जाए तो ये वाला पेपर कर लेना। तो टुगेदर विद एक अच्छी, मतलब इन्होंने प्रॉपर प्लान्ड बुक दे रखी है, इसमें ऐसे मुझे कोई प्रॉब्लम दिखी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन के लेवल भी मुझे ठीक लगे, सीबीएसई वाले लगे, ना ज़्यादा आसान है ना ज़्यादा मुश्किल है, तो अच्छी बुक है, राइट, ठीक है। तो ये हती 3 पब्लिकेशन, इन तीनों में से अगेन अगर आप मुझसे पूछोगे एक कौन सी खरीदनी है, आई वुड गो विद एग्जाम आइडिया, देन टुगेदर विद, और थर्ड मैं बोलूंगा ऑसवाल को, राइट। आपके ओपिनियंस डिफर कर सकते हैं, बाकी टीचर्स के ओपिनियन डिफर कर सकते हैं, ये मेरा ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगा कि एग्जाम आइडिया एक बेटर बुक मुझे लगी है इस बार। दूसरी बात बेटा, तीनों में से कोई भी परचेज करो, बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस करनी कैसे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। अब बहुत सारे बच्चे गलती कहां पे करते हैं सैंपल पेपर्स को लेके, कि यार जैसे मान लो आपने चैप्टर किया, उस चैप्टर के क्वेश्चन ढूंढेंगे सैंपल पेपर्स में से और वो सॉल्व करेंगे। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे करते हैं, अब उसमें क्या खराबी है, क्या गलत है, क्या सही है, वो मैं नहीं बोल रहा, मैं आपसे बस एक चीज बोल रहा हूँ कि सैंपल पेपर का मेन पर्पस क्या है। अकाउंट्स के सैंपल पेपर सॉल्व करना क्यों जरूरी है, क्योंकि बेटा अकाउंट्स का पेपर ना 3 घंटे में खत्म नहीं होता है, ये आपको भी पता है मुझे भी पता है, मेजॉरिटी बच्चों का नहीं होता है, या सुनो स्पीड का बहुत इशू होता है, प्रेजेंटेशन का बहुत इशू होता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए मैं बोलूंगा कि सैंपल पेपर्स करना जरूरी होता है। जितने ज्यादा आप सैंपल पेपर्स करोगे उतनी बेटर आपकी स्पीड होगी, उतनी बेटर आपकी प्रेजेंटेशन होगी, लेकिन वो तभी होगा जब आप प्रॉपरली ऑनेस्टी के साथ आप उसको करोगे। बार बार सॉल्यूशन देखना, मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो सॉल्यूशन देख ले, नहीं भाई, एक बार जब सैंपल पेपर सॉल्व करने बैठो तो आपको वो एग्जाम मोड में आना है, कि भाई 3 घंटे का बोर्ड का एग्जाम है, उसी तरीके से करना है, राइट। फोन स्विच ऑफ या एयरप्लेन जैसे मर्जी करो, दूर रखना अपने से, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, 3 घंटे एक जगह पे बैठना है, पेरेंट्स को बोल देना कि 3 घंटे तक डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, तभी फायदा होगा। देखो स्पीड का इशू हमेशा रहता है, और दुख पता है कब होता है, बहुत दुख होता है कि जब पेपर आता होता है और पेपर छूट जाता है, और अकाउंट्स में हमेशा ऐसा होता है, हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होगा कि पेपर आता होगा और छूट जाएगा, बात समझ रहे हो। और उसी का एक सोल्यूशन ये है कि भाई जितने ज्यादा पेपर्स करोगे, पहला पेपर करोगे नहीं होगा 3 घंटे में नहीं होगा, लेकिन जब 10th पेपर पे पहुंचोगे ना तो 3 घंटे में हो रहा होगा, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है कि प्रॉपर ऑनेस्टी के साथ 3 घंटे बैठ के पेपर करना है, ठीक है। कोई कैलकुलेटर नहीं, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ सॉल्यूशंस गिवन है, ठीक है, सॉल्यूशंस देखो उनकी प्रेजेंटेशन कैसी है, अपनी प्रेजेंटेशन कैसी है, अपने आपको मार्क्स दो, इवेल्युएट करो, अपने आपको इवेल्युएट करने के तरीके हैं ये, अगर नहीं करोगे तो फिर दिक्कत वाली बात है। टेलीग्राम पे आप मुझसे पूछ सकते हो जो भी आपको पूछना है, ठीक है। इन तीनों के लिंक्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। अमेजोन के लिंक्स हैं जहां से मैंने ऑर्डर किया, वहां से आपको आसानी से मिल जाएगा, बाकी आप डायरेक्टली अमेजोन पे सर्च कर सकते हो, वहां भी मिल जाएगा। नीचे तीनों के लिंक डाल दूंगा, तीनों में से आपको जो भी बाय करना है वो आप कर लो, लेकिन ध्यान रखना कि प्रॉपर तरीके से इनकी प्रैक्टिस करनी है। यूट्यूब पे मैं आपको करवाने ही वाला हूँ, इनफैक्ट इस बार मैं भी अपने अराउंड 4 से 5 सैंपल पेपर्स खुद डिजाइन करूंगा, ठीक है, कि जो मुझे लगता है कि सीबीएसई में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। मैं बहुत टाइम से पिछले 5-6-7 सालों के सीबीएसई के पेपर्स देख रहा हूँ, और उसी के पैटर्न पे जो मुझे लगता है कि यार हाँ सीबीएसई ये पूछता है, ठीक है, कि भाई सीबीएसई चाहता है कि ये बच्चे को पता हो एमसी की, उसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। तो 4-5 सैंपल पेपर्स मैं भी डिजाइन कर रहा हूँ, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा प्रॉपरली, यूट्यूब पे आराम से प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। अभी के लिए अगर आप खरीदना चाहते हो इनको जरूर खरीद सकते हो, बाकी पब्लिकेशंस के बारे में मैं आपको जरूर बता दूंगा।
ये सुनो, अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिले कोशिश करो बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने की, लाइक कर सकते हो ताकि थोड़ा जो यूट्यूब बाबा है हमारे, यूट्यूब बाबा ना ये वीडियोस तभी आगे जाके थोड़ा सा इनका एल्गोरिथम वर्क करता है, आगे जाके बाकी बच्चों को दिखाते हैं तब जब लाइक होते हैं, है ना। अब यूट्यूब बाबा को बताओ कि वीडियो सही है, राइट। बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना है, किसी और पब्लिकेशंस के बारे में पूछना है, एनी डाउट, कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट रहता है ना, बाकी सारा सिलेबस तो कवर हो चुका है, ये सर ठीक है, वहां तक तो कंप्लीट करो, कैश फ्लो मैं आपको बहुत जल्दी कराने वाला हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर।